राज्य में जब आपदा का कहर हो तो ऐसे समय पर केवल सरकार की कमियां निकालना उचित नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सरकार को सकारात्मक सुझाव देना भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने कल एक ऐसा ही सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो अलग अलग जिलों के प्रभारी हैं, उनको तथा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सचिव स्तर के, उनको एक एक जिले में जाकर के वहाँ कैंप करके राहत और बचाव कार्य अपनी देखरेख में कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मेरे उस सुझाव पर अमल करते हुए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निर्देश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निर्देश के बजाय अपील की कि मंत्री अपने प्रभार के जिले में जाकर के राहत और बचाव कार्य करें। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने सही समय पर भले ही देर से दिया, लेकिन एक सही फैसला लिया। मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन उसके साथ एक दूसरी खबर जो पैरेलल चल रही है कि मालन नदी का पुल टूटने पर विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ से अधिकारियों को डांटने के बाद कल देहरादून आकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनसे कहा कि इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए और इस पुल की एवज में एक दूसरा पुल डबल लेन का बनाया जाए। दोनों बातें ठीक है, लेकिन उसमें एक बात जो देखने वाली है कि सतपाल महाराज जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने इस पुल के टूटने की जांच के आदेश दे दिए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सतपाल महाराज की जांच पर भरोसा न करके जिस तरह से मुख्यमंत्री से अलग से आदेश कराए, तो ऐसे में मंत्रिमंडल के लोगों का आपसी तालमेल नहीं है, इस बात का संदेश जाता है। राज्य के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। हरिद्वार के 100 से अधिक गांव आपदा से जलमग्न हैं, उसके अलावा अलग अलग जिलों में पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें सैकड़ों सड़कें बंद हैं। अब तक एक महीने में 22 से ज़्यादा लोग आपदा से मर गए और 32 से ज़्यादा लोग दुर्घटना मोटर दुर्घटना में मरे और सैकड़ों सड़कें बंद हैं। तो सरकार का आपसी तालमेल न होने के कारण आपदा राहत और बचाव के कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाने से उत्तराखंड की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है।